मिल गया सुकून तुम्हें? क्यों किया तुमने ये सब? मिशे, तुम तो इतनी बेवकूफ नहीं थी। मैंने मासिर भाई को नहीं बोला था ये सब कुछ करने के लिए। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्या हम आप ही से कभी नहीं मिलेंगे? मैं बात करती हूँ मासिर भाई से। तुम फोन नहीं करोगी? इस तरह बात और मजीद बिगड़ जाएगी। नहीं बिगड़ेगी बात। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आखिर उन्होंने इतनी बड़ी बात की क्यों? मिशी, सो भी आप ही के बारे में तो सोचो, उनका क्या होगा? तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब जब तुम खुद राजी हो तो उन्हें क्या मसला है? फासल भाई कितनी अजीब नेचर के, जरा जरा सी बात पे खफा हो जाते, और अभी देखो इतनी बड़ी बात उन्होंने इतनी आसानी से कह दी। आप बैठे, नाश्ता तैयार है। हमारी आंखें क्यों सोजी हुई? लगता सारी रात जागी रही। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मुझे हमारे दिल की बात का पता नहीं चलता? तुम्हारे दिल में झांक कर देख सकता हूं कि उसमें क्या है, समझी तुम? देखो, मैं जानता हूं मैं गुस्से का बहुत तेज हूं, और ये बात मैंने तुमसे शादी की रात भी की थी, लेकिन मुझे यकीन है तुम अच्छी तरह समझती हो कि गुस्से में इंसान ऐसा बहुत कुछ बोल देता है जो वो शायद मीन नहीं करता।
सो मैंने भी ऐसा ही कुछ कह दिया, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं। और अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी अम्मी से भी माजरत करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू बाजी, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू, तुमने मुझे माफ किया। चलो जल्दी से नाश्ता दे दो, बहुत भूख लग रही है। जी आप बैठे। हेलो बेटा, ऑफिस से तुम जल्दी आ सकते हो? खैरियत मामा? हाँ, मुझे ज्वेलर के पास जाना है। क्यों? क्या मतलब है क्यों? शादी नहीं करनी तुम्हें? करनी है तो बेटा जी, शादी के लिए शॉपिंग भी जरूरी है और ऑफिस से टाइम भी निकालना जरूरी है। जरूरी है? हाँ बेटा जी, बहुत जरूरी है। चले, आप रेडी हो, मैं पहुँचता हूँ। ठीक है बेटा, मैं वेट कर रही हूँ। बाय। हेलो मशल, कैसी हो? बासर भाई, आपने अम्मी से क्या कहा कि अगर मेरी हाशिम से शादी हो गई तो आप हमसे ताल्लुक खत्म कर देंगे? क्या बात है मशल, न सलाम न दुआ, सीधी बात, सब खैरियत तो है? आई एम सॉरी बासर भाई अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन मेरी अम्मी जब से आपके घर से आई है ना, वो बीमार पड़ी है और रो जा रही है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने आपसे ये थोड़ी कहा था कि आप इतनी सख्ती से बात करें उनसे। देखो मशल, मास्टर भाई, मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा था कि आप आखिरी दफा कोशिश करें। अगर वो मान जाती हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मानेंगी तो मैं कर लूंगी हायसन से शादी, लेकिन मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। अगर मेरी अम्मी को कुछ हो जाता तो? मेरी बात तो सुनो मशल। ने कितनी आसानी से कह दिया कि आप हमसे ताल्लुक खत्म कर देंगे। बासर भाई, आप अम्मी से माफी मांगो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हेलो, हेलो मशल, हेलो, नहीं बेटा, बस दिल नहीं चाह रहा। अम्मी प्लीज ना, थोड़ा सा पी लें। नहीं बेटा, बस अम्मी, कोई इतनी सी बात पे खाना पीना छोड़ता है? अम्मी मैं जानती हूँ बासिल भाई ने जो कुछ कहा बहुत गलत कहा, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ गुस्से में कहा है। आप जानती तो हैं उन्हें, वो इतने भी बुरे नहीं है। आओ बेटा, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो मायमा। हाफी, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी से मेरी बात करवाओ।
अभी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ अम्मी को? आप जानती तो हैं, बासु भाई की बातों की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसी बारे में बात करनी है, तुम बात करवाओ मेरी। अच्छा मैं देखती। मामा मिशी को भी ले ले साथ। जब उसकी चीजें लेनी होंगी ना तो उसकी चॉइस से लूंगी। अभी मुझे भाभी और बच्चों के लिए कुछ लेना है, अब उन्हें तो साथ नहीं ले जा सकती ना। आप पीछे रख दो। चले बेटा। अम्मी बासिल कह रहे थे वो गुस्से में बोल गए, उनका ऐसा मकसद नहीं था। ठीक कह रही हो बेटा, उन्होंने मुझसे भी सॉरी किया। अम्मी अपनी बदतमीजी पे बहुत शर्मिंदा थे, बहुत एक्सक्यूज कर रहे थे। वो कह रहे थे मिशी बहुत जज्बाती लड़की है, बहुत बचपना भी है उसमें, इसलिए इतनी जल्दी उसकी शादी के हक में नहीं थे। वो कह रहे थे वो आपसे भी माफी मांग लेंगे। वो सिर्फ मिशी की वजह से नाराज हो रहे थे, वरना उन्हें आपके फैसले पे कोई एतराज नहीं है अम्मी। चलो शुक्र है अल्लाह का। जो गम तुमको बख्शे उन्हें भूल जाओ। अम्मी आप मुझे दें। हेलो आपी। आपी आपको पता है जब से अम्मी आपके घर से आई है ना तब से रो ही रही है, और मशीन हरकत भी तो ऐसी की है। अच्छा बस इतनी बुराइयां मत करो उसकी, तो शुरू से बेवकूफ है हम सब जानते हैं। लेकिन उमायमा तुम कभी ऐसी हरकत मत करना। कभी भी नहीं, मैं उसकी तरह पागल थोड़ी हूं। अच्छा ठीक है मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। ओके खुदा हाफिज। पड़ गई ना उल्टी बासिल मियां, अब तो तुम्हें अपनी सास से माफी मांगनी पड़ेगी। मशल ने जो कह दिया। हाँ तो मैं मशल की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मगर शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, ये मत भूलना। नहीं भूलूंगा, मशल की शादी नहीं होगी। उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। मिशी मिशी तुम्हें पता है बासिल भाई मान गए। अभी आप ही का फोन आया था, वो बता रही थी कि बासिल भाई को अपनी गलती का एहसास है और वो इस बात पर मुझसे माफी भी मांगना चाहते हैं। इतनी जल्दी? मैंने आज ही तो बात की उनसे। मिशी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, अच्छी बात है, उन्हें माफी मांगनी भी चाहिए। अगर मेरी अम्मी को कुछ हो जाता ना तो मैं छोड़ती नहीं उन्हें। वैसे तुम हर बात का कसूरवार उन्हें नहीं ठहरा सकती,
गलती तुम्हारी भी है। गलती मैंने की थी ना, सुधार भी मैं ही रही हूँ। देखते सुनो सोबिया, वो तुमने तुमने मशल की शादी की शॉपिंग के लिए नहीं जाना? इसे क्यों देख रही हो, शर्मिंदा कर रही हो मुझे? नहीं मैं तो क्या, मैं तो देखो मेरा ख्याल है कि तुम्हें तुम्हें आंटी की तरफ जाना चाहिए, उन्होंने भी तो अपनी शॉपिंग करनी होगी ना, और फिर इतना काम होगा वहां पर, तो तुम्हें वहां जाकर उनका हाथ बटाना चाहिए। हाँ मैं कह रही थी वो क्या कह रही थी? यही कि पहले आप मम्मी से वो नाराज हो गई आपसे तो तुम ठीक कह रही हो, मुझे आंटी से माफी मांग लेनी चाहिए। तुम बताओ कब चलें, अभी चलें घर? अभी टाइम तो देखें ना, घर रहे टाइम देखने की क्या जरूरत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है मगर कल चले जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, कल चले जाते हैं घर। एक काम करते हैं कि कल ऑफिस जाने से पहले मैं तुम्हें आंटी की तरफ ड्रॉप कर दूंगा और तुम वहां से उनके साथ शॉपिंग करने चली जाना। तो फिर आप मम्मी से कब मिलेंगे? मैं सोबिया, अगर तुमने एक अच्छी बीवी की तरह मुझे सुबह जल्दी नाश्ता दे दिया तो सुबह ही मिल लूंगा, वरना ऑफिस से वापसी पे आराम से उनसे मिलूंगा। थैंक यू मासी। थैंक यू मत को, तुम्हारा हक है, और हमेशा यूं मुस्कुराती रहा कर, हालत अच्छी लगती है तुम पे। कमरे में तुम्हारा वेट कर। आपने मशल का निकाह फाइसल से कर दिया ना, समझिएगा कि उस दिन से मेरा आप लोगों से ताल्लुक खत्म। बासिल कह रहे थे कि अम्मी के घर पे बहुत काम होगा, इसलिए तुम चली जाओ। जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। बस तुम शुरू हो जाओ। और हाँ सब लोग एक बात सुन लें, मैं इस बार अपनी पसंद से कपड़े लूंगी और कोई बीच में नहीं बोलेगा। मेरे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बात तुम जानती हो। जी बस शुरू हो गई, तुम दोनों जाओ मेरे लिए चाय का कप बना के आओ। मेरे लिए भी कोई नहीं,
अम्मी मैं खुद बना। उमायमा कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल। उमायमा तैयार हो गई हो बेटा? हाँ अम्मी मैं तो तैयार हो गई हूँ, आप ही ऊपर हैं। सोबिया सोबिया आ जाओ बेटा, देर हो रही है। जी अम्मी आ रही हूँ। जी बासिल। हेलो, कहाँ हो? इतनी देर से फोन कर रहा था, उठाया ही नहीं रही थी। मैं तैयार हो रही थी बासिल। अच्छा शॉपिंग पर जा रही होगी? जी। बेटा पौधों का हाल देखा है, इनको भी पानी देते हो कि नहीं? नहीं अम्मी मैंने नहीं दिया। तभी तो मुरझा रहे हैं ना, देखो। अम्मी आप ये कहाँ रह गई? आप ही जाएं। सो गया, और कितनी देर लगाओगी बेटा, आ जाओ जल्दी। सोलह तुम जाओ। कौन कौन जा रहे? मैं अम्मी और उमायमा। अच्छा फिर तो काफी देर लग जाएगी वापस आने में। जी कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, आराम से शॉपिंग करके वापस आना। थैंक यू बासिल, बाय। अल्लाह अल्लाह करके निकाला था। बासिल भाई मैं आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेके आती हूँ। सुनो माशा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम आओ। आओ इधर आकर बैठो सर। बासिल भाई अरे क्या हो गया, मैं ऑफिस से सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। छोड़े बासिल भाई। छोड़ दूंगा, पहले एक दफा मेरी बात तो सुन लो। क्या हो गया? मुझे नहीं सुननी आपकी कोई भी बात, छोड़े मुझे। मशम तुम मुझे गलत समझ रही हो। अच्छा मैं गलत समझ रही हूँ आपको? ये जो हरकत आपने की है उसके बाद भी मैं गलत समझ रही हूँ आपको? क्या मतलब था आपका? जाए यहाँ से, जाए। चला जाऊंगा, एक मिनट इधर आओ, एक दफा मेरी बात तो सुन लो, बैठो यहाँ पर। छोड़े मुझे, मैं मम्मी को फोन करती हूँ। मैंने तुमसे कहा है ना, क्यों नहीं सुन रही हो तुम मेरी बात? कैसे समझाऊं तुम्हें कितनी मुश्किल से सेटिंग की है मैंने ये? क्या मतलब है आपका? कौन सी सेटिंग? कि मैं अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रख सकूं, खोल के बता सकूं कि मेरे दिल में क्या है। कितनी बार तुम्हें बताने की कोशिश की लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मशल, मोहब्बत। पहली नजर में मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था, तुम्हारी अदाओं ने मुझे पागल बना दिया है। कितना कहा मैंने खाला से साजना बी से कि मुझे सोबिया से शादी नहीं करनी है, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुमसे। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी, मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सोबिया से शादी कर लूं। और तुम्हारी खातिर मशन सोबिया से शादी करने का फैसला कर लिया ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। आप क्या कह रहे हैं भाई? बस करें। मत कहो मुझे भाई, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, समझी तुम? आपने तो रिश्तों को तकदीर से खत्म कर दिया है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। प्लीज चले जाओ यहाँ से, मैं बहनों की तरह हूँ आपकी। मेरी बहनों की तरह नहीं हो, समझी तुम? तुम मेरी महबूबा, मेरी महबूबा हो तुम। चुप करे, गिरा रही हो जाओ की बातों से। प्लीज चुप हो जाओ यहाँ से। बात सोच, बात सुन, बात सुन, बात सुन।
मैं सिर्फ तुम्हें अपनाना चाहता हूँ बस। और सोमिया उनका क्या कसूर है? मैं छोड़ दूंगा, वो तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। नफरत हो रही है आपकी बातों से, नफरत हो रही है। अगर तुमने मुझे ठुकरा भी दिया तो भी मैं उसको छोड़ ही दूंगा। तो छोड़ दे उसे, आप नहीं इस काफी कि मेरी बहन आपके साथ रहे। दफा हो जाए यहाँ से, इससे पहले मैं शोर मचा दूँ। तुम मुझे इस तरह ठुकरा नहीं सकती हो, और वो भी उस हर्षम की खातिर। जहर लगता है वो मुझे, जहर। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं नहीं जानती थी कि आप इतना गिर सकते हैं। मोहब्बत और जंग में तो सब जायज होता है ना मिश्र, और मैं तो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें बदनाम भी कर सकता हूँ। बहुत इज्जत करती थी आपकी। मत करो, मेरी इज्जत मत करो, तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करो। पीछे हटे, हटे पीछे। मशाल मशल, ये क्या क्या बकवास हरकत कर रही हो तुम? नीचे रखो इसको, नीचे रखो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा, कुछ नहीं कहूँगा तुम। रिलैक्स मशल, रिलैक्स। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं तुम्हारे करीब बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। मेरा नहीं ख्याल कि तुम इतनी बेवकूफ, क्योंकि अगर ये बात तुमने किसी से भी की तो नाम तुम्हारी ही होगी। दरवाजा खोलो मशाल। देख के आओ। क्या हो गया, क्यों रो जा रही हो? देखो सोबी ऐसे। चलो अंदर चलो, चलो आओ, पानी लेके आओ। क्या हो गया, क्या हुआ मेरी जान? सो गई, पानी पिलाओ इसे। चलो मिशी पानी पियो। मिशी मशाल बेटा क्यों कर रही हो ऐसा? मैं कितनी परेशान हो रही हूँ बेटा, कुछ तो बताओ ना, क्यों रो जा रही हो? मुझे यकीन है कि तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी, क्योंकि देखो अगर तुमने जिक्र किया तो बदनामी भी तुम्हारी होगी। जी, बोलो, किसी चीज से डर गई हो? मुझसे ही गलती हो गई, मुझे इसे अकेले छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था, कम से कम उमायमा को इसके पास छोड़ जाती। नजर लग गई है मेरी बच्ची को। अम्मी पहले से पानी तो पिलाए। हाँ लाओ, मैं पिलाती हूँ पानी से। ये रहा मेरा बच्चा, शाबाश, थोड़ा सा पानी पी लो,
शाबाश शाबाश। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही थी, अपना डर गई थी, कोई आया था क्या घर में है? मुझे तो लगता है मिशी पे बहुत बुरी नजर है किसी की, हमारे घर में भी ऐसे ही डर जाती थी। बताओ क्या सोच कर इन लबों को। अम्मी मैं बासिल को फोन करती हूँ। जहर कतरा कतरा नजर ने पिया है, दामन चुराना बचाना है मुश्किल, वरना हटाने से क्या होगा हासिल, ऐसे में तू ही बता दे ना मौला, तू ही बता दे कहाँ जाए दिल। सुबिया सुबिया जेमी यहाँ आओ बेटा जरा। जेमी क्या हुआ, इतनी घबराई भी क्यों हो? मैं बासिल का फोन मुसलसल ऑफ जा रहा है, काफी देर से ट्राई कर रही हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मैं खुद चली जाऊं? बेटा मैं के गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है, हो सकता है वो बिजी हो और वो चाहते हो कि मैं खुद चली जाऊं। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो रास्ते में हो, पहुंचने वाला हो, कोई और नंबर नहीं है उस पे ट्राई करूं? बासिल, मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, आप अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ आप तक ऑफिस में, काम चल रहा है ना? अभी तक ऑफिस में है? मैं इतनी देर से आपका वेट कर रही हूँ, कब तक आएंगे? वो मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, उसमें बिजी हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है कि तुम खुद घर आ जाओ? अच्छा ज्यादा देर हो जाएगी आपको। हाँ देर तो हो जाएगी क्योंकि अभी भी तो मैं मीटिंग में ही हूँ ना। परेशान मत हो मैं चली जाऊंगी। मैं अम्मी से किसी और दिन माफी मांग लूंगा। जी क्या कह रहा था? अम्मी बासिल कह रहे थे कि उन्हें ऑफिस में अभी थोड़ी और देर हो जाएगी, मैं खुद घर चली जाऊं। इस वक्त तो अच्छा अच्छा ऐसा करो कि तुम सईद भाई को फोन करो, देखो अगर उनकी टैक्सी फ्री है तो मैं खुद चलती हूँ तुम्हारे साथ, चल के छोड़ आती हूँ तुम्हें। अम्मी वो बासिल कह रहे थे कि वो किसी और दिन आके आपसे माफी मांग लेंगे। छोड़ो बेटा रहने दो। मिशी ये लो दूध पी लो। मुझे नहीं पीना। अच्छा बाबा लेकिन सोने से पहले पी लेना, क्योंकि अम्मी सख्ती से कह के गई है कि मिशी को सोने से पहले दूध पिला दो।
अम्मी कहाँ है? अम्मी सोबिया आपी को उनके घर छोड़ने गई हैं। इस वक्त? हाँ, सईद भाई के साथ गई हैं। मुंशी, क्या सोच रही हो? अरे, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? इधर देखो, मेरी इतनी बहादुर बहन किस चीज से डर गई? कहीं छिपकली से तो नहीं डर गई? मिशी, क्या हो गया बाबा? अब तो अपना मूड ठीक कर लो। कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। तुम ठीक हो? तुमने अपनी शक्ल देखी है? 12 बज रहे हैं तुम्हारे चेहरे पे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम जाओ शॉपिंग करो। वल्लाह मुशी, तुम कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो। इतनी सी बात ही तो तुम साफ साफ कह देती कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना है, हम तुम्हें भी ले जाते। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? देखो भाई, वो तो अम्मी ने कहा था कि जब लड़की की तारीख तय होती है ना, तो उसे शादी तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन तुम हमारे साथ चली चलना, तुम्हारी ड्रामे कौन देखेगा? शुक्र है तुम मुस्कुराई तो सही। वैसे एक बात बताओ, हाइसम भाई से लड़ाई हुई है क्या? उनसे मेरी दोस्ती नहीं है तो लड़ाई क्यों होगी? ये तो है। अच्छा अब सो जाओ और ये दूध पी लो, अब तक तो ठंडा भी हो गया होगा। तुम्हें पता है, मैंने इतनी अच्छी शॉपिंग की है, लेकिन तुम्हारे चक्रों में मैंने अपनी शॉपिंग भी नहीं देखी। अब तुम जब मुझसे कल कहोगी ना कि मुझे सामान दिखाओ, तो भी मैं नहीं दिखाऊंगी। अच्छा अब इसे पियो बाबा। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ